हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू नाउ। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 110 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स बी कॉमा सी एंड डी। यहाँ पे देखिए, आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी, जहाँ पे आपको बताया है जो एंगल ए है वह आपका 110 डिग्री है। देन आपको फाइंड करना है एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। तो देखिए, यहाँ पे फिगर के अंदर हम देख लेते हैं, कंसिडर करते हैं। यहाँ पे दिस इज पॉइंट आवर ए, दिस इज बी एंड दिस सी एंड लास्ट वन इज डी। और यहाँ पे आपको कहा गया है जो ये एंगल है ये आपका 110 डिग्री का एंगल आपका यहाँ पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमको गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए, आपको गिवन है एंगल ए इज इक्वल टू 110 डिग्री, ये भी आपको यहाँ पे गिवन है। तो देखिए, बात कर रहे हैं हम ए बी सी हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इसकी प्रॉपर्टी आपकी होती है यहाँ पे कि जो हमारे एंगल ए प्लस एंगल डी होगा, इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। बिकॉज यहाँ पे ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, ये हमारे क्या होते हैं, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल होते हैं। इसलिए इनका सम जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमको गिवन है एंगल ए इज इक्वल टू कितना है हमारा, 110 है, प्लस एंगल डी हमको निकालना है, 180 हमारे पास अवेलेबल है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट इज़ यहाँ पे आपका 70 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एंगल डी हमारे जो है वो 70 डिग्री हो गया। और वी नो दैट, हम जानते हैं इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल या एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल हमारे क्या होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर, इक्वल होते हैं। इसके रेफरेंस से हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देखिए जो हमारा एंगल ए है वह किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। और दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, 110 के इक्वल हो जाएंगे। एंड सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एंगल डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी के, एंड ये हमारा इक्वल हो जाएगा 70 डिग्री के। तो यहाँ पे हमें यही निकालना था, हैंस एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड लास्ट वन एंगल डी इज इक्वल टू 70 डिग्री। यही हमको यहाँ पे पूछा गया था। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।